बीएससी पार्ट थर्ड जोलॉजी पेपर थर्ड सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन। सेरिकल्चर शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, सेरिकोस या सेरी जिसका मतलब होता है सिल्क और कॉस मतलब कल्चर। सिल्क वर्म को पालना और उससे सिल्क का प्रोडक्शन करना सेरिकल्चर कहलाता है। व्यापारिक दृष्टि से सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म्स को या रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। यह एक मॉथ जाति का कीट है जो कि लार्वल स्टेज में अपनी सलाइवरी ग्लैंड से एक लिक्विड सिक्रीट करता है और ये फ्लूइड वायु के संपर्क में आने पर सूखकर एक लंबा लचीले और चमकीले रेशम के धागे में परिवर्तित हो जाता है। सिल्क फाइबर में दो तरह की प्रोटीन्स होती है, फाइब्रोइन 80% है और सेरीसिन 20% है। चाइना सिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आता है, भारत का दूसरा स्थान है और सिल्क कंज्यूमर बिगेस्ट है इंडिया। इंडिया में कर्नाटका के अंदर सिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर सभी प्रकार के सिल्क टसर मूगा मलबरी और एरी सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। व्हाट इज सेरिकल्चर? सेरिकल्चर है सिल्क वर्म को पालना, रेशम के कीटों को पालना और उनके द्वारा कच्चे सिल्क का प्रोडक्शन करना। ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिल्क वर्म की स्पीशीज है बॉम्बिक्स मोराई। नेक्स्ट इज व्हाट इज मॉरीकल्चर? मॉरीकल्चर होता है मलबरी कल्टीवेशन। जो बॉम्बिक्स मोराई है वो फीड करता है और मलबरी पे या शहतूत पे, उसके लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाता है, तो शहतूत को कल्टीवेट करना सिल्क वर्म इंडस्ट्री के लिए, सेरिकल्चर इंडस्ट्री के लिए कहलाता है मॉरीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, चाइनीज टेल है ये कि एक एम्परर की वाइफ लीजू एक पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी और सिल्क कोकून उनकी गर्म चाय में आकर गिर जाता है। तो कोकून जब गर्म चाय में गिरता है तो उसके चारों तरफ जो धागे लपटे हुए रहते हैं सिल्क के वो लूज हो जाते हैं। ये एम्परर की वाइफ जब उसमें से उसको बाहर निकालती है तो वो बहुत लंबा धागे के रूप में निकलता जाता है और वो उसे अपनी उंगली पर लपेट लेती है। उंगली पर लपेटने से उनको थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है और जब वो पूरा सिल्क उसमें से कोकून में से निकाल लेती है तब वो उसके अंदर लार्वा को देखती है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि इस सिल्क का जो सोर्स है वो ये कैटरपिलर या लार्वा है। वो उन्होंने इसे और लोगों को बताया और उसके बाद ये सब जगह फैल गया। सो चाइना इज द ओरिजिन ऑफ सेरी कल्चर और उन्होंने इसे, एम्परर की वाइफ ने इसे एक्सीडेंटली ही डिस्कवर किया था। '57 के अंदर सेरिकल्चर इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से सफर हुई थी एक पेब्रीन नामक डिजीज के कारण। ये पूरा इसका हिस्ट्री है कि किस तरह से सिल्क जो है वो इंडिया में आया। देन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म्स। पांच मेजर प्रकार के हैं सिल्क वर्म्स और कई फूड प्लांट्स पे ये मिलते हैं। मलबरी सिल्क वर्म, टसर सिल्क वर्म, ओक सिल्क वर्म,
एरी सिल्क वर्म और मूगा सिल्क वर्म। इसका क्लासिफिकेशन है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिपुलेटा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिकोटा, ऑर्डर इसका है लेपिडॉप्टेरा, फैमिली बॉम्बाइसिटी, जीनस बॉम्बेक्स, स्पीशीज है मोराई और इसका कॉमन नेम है मलबरी सिल्कवर्म या शहतूत के रेशम के कीड़े। ये दो फैमिलीज को बिलोंग करते हैं बेसिकली। बॉम्बेक्स जो है वो बॉम्बाई सिटी का है, ये टाइप ऑफ सिल्क है, इससे मलबरी सिल्क मिलता है। बॉम्बेक्स मोराई होस्ट प्लांट है इसके, मलबरी प्लांट इन स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। टसर सिल्क इसकी फैमिली है, इन सब की फैमिली है सैटर्निटी, एंथीरिया, माइलेटा, अर्जुन और साल पर पाया जाता है। ओक टसर, एंथीरिया, प्रायोली, एरी सिल्क ये इसका जोलॉजिकल नेम, मूगा सिल्क ये इसका जोलॉजिकल नेम है। मलबरी सिल्क वर्म कमर्शियल सिल्क जो है वो उसको मलबरी सिल्क ही है और ये प्रोड्यूस किया जाता है बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा, जो कि सिर्फ शहतूत की पत्तियों पर फीड करती है। ये है टसर सिल्क वॉर्म, एंथीरिया माइलेटा, अर्जुन और असन पर पाया जाता है। मलबरी सिल्क से इसका सिल्क थोड़ा कम टेक्सचर इसका डिफरेंट होता है और ये इन सभी स्टेट्स में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और ट्राइबल कम्युनिटीज इसको बनाती है। ओक टसर सिल्क वर्म ये एंथीरिया प्रायोलिया और सब हिमालयन बेल्ट में है इसका प्रोडक्शन, चाइना मेजर प्रोड्यूसर है। एरी सिल्क वॉर्म इस अरंडी पर पाया जाता है, ये पिलोसेमिया रसिनाई और इंडिया में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिली आसाम में प्रोड्यूस किया जाता है। एंड देन मूगा सिल्क ये मल्टी वोल्टाइल सिल्कवर्म की स्पीशीज है, एंथीरिया एसिनेंसिस इससे मिलता है। ये मल्टी वोल्टाइल कहते हैं जिनसे कि एक वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त हो जाए। यूनिवोल्टाइन होगा जिससे सिर्फ एक ही प्रतिवर्ष सिर्फ एक ही फसल प्राप्त हो सिल्क की, बाई वोल्टाइन जिसे दो फसल प्राप्त हो। सेरिकल्चर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सिल्क मॉथ एग्स ले करते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है इनमें, एग्स से लार्वा या कैटरपिलर निकलता है, उनसे प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बनता है। एग्स हैच करके हैचिंग से लार्वा बनाते हैं और ये लार्वा मलबरी लीव्स पे फीड करता है। जब ये करीबन 25 दिन के होते हैं तब इनका वजन जब ये हैच हुए होते हैं उससे लगभग 10,000 गुना ज़्यादा हो जाता है और अब ये अपने प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होते हैं और अपने चारों तरफ सिल्क का सिक्रीशन कर लेते हैं। ये सिल्क का प्रोडक्शन इनके हेड पर स्थित ग्लैंड्स के द्वारा होता है और जब ये सिल्क फाइबर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो हार्ड हो जाता है और ऐसा प्रोसेस 2 से 3 दिन चलता है और उसके फलस्वरूप करीबन 5,500 सिल्क वर्म से सिर्फ 1 किलो सिल्क प्राप्त होता है। ये देखिए फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही इमर्जेंस होता है मेल और फीमेल से कॉपुलेट करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल मॉथ 24 घंटे के अंदर
एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। ये एग्स क्लस्टर्स में एक ग्रुप के अंदर दिए जाते हैं, 400 से 500 तक, और शहतूत की पत्ती के अपर सरफेस पे, ऊपरी सतह पर देते हैं। प्रारंभ में ये अंडे लेमन येलो कलर के होते हैं और मैच्योरिटी पे इनका कलर ब्लूइश ग्रे हो जाता है। इन एग से 10 से 14 दिन के अंदर कैटरपिलर या लार्वा निकलते हैं। ये वोरेशियस ईटर हैं, बहुत अधिक मात्रा में खाना खाते हैं, और इनके मुखांग मैंडिबुलेट टाइप्स के होते हैं और ये शहतूत की पत्तियों का भक्षण करते हैं। ये लार्वा में 4 बार मोल्टिंग होता है, जिससे 4 से 6 सप्ताह में ये प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में ये इनकी जो सिल्क ग्लैंड्स हैं उसके द्वारा चिपचिपा फ्लूइड या तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो कि हवा के संपर्क में आने पर कड़क हो जाता है और ये प्यूपा के चारों तरफ लपेटता जाता है और अब ये कन्वर्ट हो जाता है कोकून में 10 से 12 दिन में। इस कोकून के अंदर ही जब एडल्ट निकलता है तो वो कुछ क्षारीय पदार्थ, क्षारीय तरल स्रावित करता है, जो कि इसके एक सिरे को सॉफ्ट कर देते हैं और उसमें से एडल्ट बाहर निकलता है और फिर ये एडल्ट मॉथ दूसरे से पॉपुलेट करता है और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। सेरिकल्चर इंडस्ट्री क्या है? इसमें दो चीजें ध्यान रखनी होती है। पहला, अच्छी स्पीशीज का चुनाव करना, वहाँ की वातावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, और इन कीटों को हमेशा मलबरी लीव्स की अवेलेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। क्या क्या अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है? सुटेबल प्लेस, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लाइट आए वहाँ पे, रियरिंग ट्रेस जहाँ पे एग्स रखे जा सके और पत्तियाँ तोड़ के रखी जा सके, फीडिंग ट्रेस, जब ऐसी हैचिंग होती है तो इनको फीडिंग ट्रेस में ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पर शहतूत की पत्तियों को काट कर रखा जाता है। जब ये मैच्योर लार्वा हो जाता है तो इसको कोकून ट्रेस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। रेक्स की जरूरत पड़ती है ये डिफरेंट ट्रेस को रखने के लिए, पत्तियों को काटने के लिए चॉपिंग नाइफ, बास्केट्स लीव्स को कलेक्ट करने के लिए, हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी, इसमें 60 to 70% आर्द्रता की आवश्यकता होती है, थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए, ओवन और फ्रिज की आवश्यकता पड़ती है। ये है सिल्क के टाइप, मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, एरी सिल्क और टसर सिल्क। नेक्स्ट है ग्रेनेज मैनेजमेंट क्या है? कि रियरर जो भी रेशम का कीट का पालन कर रहा है उसे अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करना, जिससे कि इसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो बरकरार रहे। और इस कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं? पहला प्रोसेस है स्टिफनिंग, जो प्यूपा विद कोकून्स को स्टीम या फ्यूमिगेशन के द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद इन कोकून्स को गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी में डालने से इसके जो सिरिसिन होता है वो रिमूव हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और अब इस सिल्क फाइबर को रील्स पे लपेट लिया जाता है। अब इसे ड्राई किया जाता है, पैक किया जाता है और अब ये रॉ सिल्क रेडी हो जाता है मार्केटिंग के लिए। ये बताया है आपको यूनि वॉलेटाइन, बाई वॉलेटाइन और मल्टी वॉलेटाइन टाइप्स क्या होती हैं, जिनसे क्रमशः साल में 1 बार, 2 बार और 3 बार फसल प्राप्त हो। सिल्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कई बार क्या हो, मार्केट के अंदर नेचुरल सिल्क की बजाय आर्टिफिशियल सिल्क भी बेचा जाता है। इसको सिंपल जलाकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि जलने पर स्मेल आए तो वो प्योर सिल्क है, और नहीं आ रही है तो वो नेचुरल सिल्क नहीं है। हेल्थ हैजर्ड्स क्या क्या होते हैं? जो भी व्यक्ति इसका
सेरिकल्चर का काम कर रहा है, उनको जो डेड वर्म्स हैं उनको हाथों से ही काम करना पड़ता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 12 से 16 घंटे तक इन्हें खड़े रह के काम करना होता है, तो बैक एक और स्पाइन प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती है। और स्पिनिंग और विंडिंग मशीन्स में हमेशा बहुत आवाज़ होती रहती है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता रहता है, इसलिए ये हियरिंग प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एक इंडस्ट्री है, इसमें रेगुलर और क्विक रिटर्न्स मिलते हैं, और फीमेल्स स्पेशली इसके अंदर बहुत काम करती हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, यूनियन गवर्नमेंट ने किस तरह से इसको किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं। सिल्क रोड, सिल्क रोड इज़ वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट है बिटवीन चाइना एंड मेडिटेरेनियन सी। चाइना ने सबसे पहले सेरिकल्चर स्टार्ट किया था और यहीं से ये पूरे विश्व में फैला है, और आज भी चाइना और इंडिया ये दो ही मेन प्रोड्यूसर्स हैं, और दोनों मिलके करीबन 60% सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। सो इंडिया एक यूनिक कंट्री है, यहाँ पे कई वैरायटी के सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं, मलबरी, मूगा, टसर और एरी। लो इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है ये, इनकम जनरेटिंग है, और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में, और बहुत अधिक संख्या में फीमेल्स इस इंडस्ट्री में काम कर रही है,